हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन एम इग्नाइटर। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रास के वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक्स कम्स अंडर AITT सिलेबस वीक नंबर 20, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वीक नंबर 20 में ब्रास के वेल्डिंग मेथड के बारे में पढ़ना है और कॉपर के वेल्डिंग मेथड के बारे में पढ़ना है। तो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू with you on various points like about brass and melting points, temperature of brass, difficulty in brass welding and remedies of difficulty in brass welding। ये जो दो points है, 3 और 4, I have already discussed in a previous video। तो प्लीज़ अगर ये 3 और 4 points को मैं इस video में मैं cover नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें पॉइंट 3 और 4 को मैंने डिटेल से समझाया है। तो प्लीज़ अगर जो आप जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ना है नोजल फ्लेम एंड वेल्डिंग टेक्निक का, यानी कि हमें इसमें वेल्डिंग मेथड के ऊपर फोकस करना है। इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन वेल्डिंग मेथड ऑफ ब्रास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ब्रास के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस वीडियो में अबाउट ब्रास पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पढ़ेंगे और मेथड पढ़ेंगे, ब्रास के वेल्डिंग का मेथड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रास, तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली उस वीडियो में भी बताया है, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि इट इज़ अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ वेरियस प्रोपोर्शन। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर और जिंक अलग अलग अनुपात में मिला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ नॉन फेरस मेटल एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है और एक नॉन फेरस मेटल है ब्रास। साथ ही साथ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज इंटरमीडिएट, दैट इज 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको डिटेल में जानने के लिए मेरे पीछे वाले वीडियो को, जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग वेल्डिंग प्रोसीजर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वेल्डिंग प्रोसीजर क्या होता है या फिर वेल्डिंग मेथड क्या होता है। तो वेल्डिंग प्रोसीजर या फिर वेल्डिंग मेथड में, ब्रास की वेल्डिंग मेथड में हमें 6-7 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग, है ना, उसके बाद एज प्रिपरेशन, उसके बाद फ्लक्स सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फिलर रॉड डायमीटर एंड नोजल साइज, यानी कि फिलर रॉड डायमीटर का सिलेक्शन और नोजल साइज का सिलेक्शन, उसके बाद फ्लेम सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, है ना, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक एंड जो लास्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन। ये लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन को भी हमें ध्यान देना है ब्रास की वेल्डिंग में। तो ये 7 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यही ब्रास की वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो इन 7 पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीनिंग को, कि क्लीनिंग क्या होता है। क्लीनिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्लीनिंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेल्डिंग में, क्योंकि अगर हम लोग मेटल को क्लीन नहीं करते हैं या फिर उसे बिना क्लीन किए वेल्डिंग कर देते हैं, तो उसमें स्लैग इंक्लूजन्स वगैरह या फिर पोरोसिटी ब्लो होल आने की संभावनाएँ रहती हैं। तो फॉर गेटिंग अ साउंड वेल्ड वी हैव टू क्लीन द वर्क पीस बिफोर द वेल्डिंग, है ना। तो वेल्डिंग करने से पहले हमें क्या करना रहता है कि वर्क पीस को पूरी तरह से साफ कर देना रहता है। तो अब ये क्लीनिंग का मेथड कितना होता है, तो क्लीनिंग मेथड को हम लोग समझ लेते हैं। मेथड, क्लीनिंग मेथड जो होता है वो दो मेथड से हम लोग क्लीनिंग करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे क्लीनिंग मेथड। क्लीनिंग जो मेथड होता है वो दो क्लीनिंग का मेथड होता है। एक तो होता है मैकेनिकल क्लीनिंग
क्लीनिंग और दूसरा होता है केमिकल क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग, ठीक है। अब मैकेनिकल क्लीनिंग में क्या होता है, अब मैं अगर पहले की बात करूं मैकेनिकल क्लीनिंग, तो मैकेनिकल क्लीनिंग में क्या होता है बाबू, मैकेनिकल क्लीनिंग में जो होता है, मैकेनिकल क्लीनिंग में में हम लोग क्या करते हैं कि वर्कपीस को वायर ब्रशिंग से साफ कर देते हैं, या फिर ग्राइंडिंग व्हील से साफ कर देते हैं, या फिर फाइलिंग करके उसे साफ करते हैं, या फिर सेंड ब्लास्टिंग करते हैं, या फिर स्क्रैपिंग कर देते हैं, या फिर उसे हम लोग एमरी पेपर से भी साफ कर देते हैं। तो ये जो साफ करने की विधि है, ये जो क्लीनिंग करने की विधि है, इट्स इंक्लूडेड इन मैकेनिकल क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैकेनिकल क्लीनिंग इंक्लूड्स वायर ब्रशिंग, ग्राइंडिंग, फाइलिंग, सेंड ब्लास्टिंग, स्क्रैपिंग एंड लास्ट इज रबिंग विथ एमरी पेपर। यानी कि मैकेनिकल क्लीनिंग के अंतर्गत हम लोग इतने प्रोसेस से वर्कपीस को साफ कर सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिकल करता है, जो लोग लैब में प्रैक्टिकल किया है, उसे ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये होता है मैकेनिकल क्लीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल क्लीनिंग को समझ लेते हैं कि केमिकल क्लीनिंग क्या होता है, जो हमारा दूसरा होता है केमिकल क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, केमिकल क्लीनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इस सॉल्वेंट की हेल्प से हम लोग वर्कपीस से ऑयल, ग्रीस, पेंट एक्सेट्रा को रिमूव कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है केमिकल क्लीनिंग इट्स यूजेस सॉल्वेंट्स ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिमूव ऑयल, ग्रीस, पेंट एक्सेट्रा, है ना। तो केमिकल क्लीनिंग में हम लोग डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करके ऑयल, ग्रीस और पेंट को रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, तो अब ब्रास की जो क्लीनिंग होती है, नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो नॉन फेरस मेटल होता है उसे हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा ही क्लीनिंग करते हैं। यानी कि सबसे इसमें ज़्यादातर हम लोग केमिकल क्लीनिंग मेथड का यूज़ करके इसे क्लीनिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग दो तरीके से कर सकते हैं, मैकेनिकल क्लीनिंग भी कर सकते हैं और केमिकल क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है एज प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एज प्रिपरेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि एज प्रिपरेशन जो होता है, मैं यहाँ पे एज प्रिपरेशन के लिए एक मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, इससे आप लोग काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एज प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं, तो एज प्रिपरेशन जो होता है वो मेटल के थिकनेस के आधार पे होता है। एज प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली मेटल के जिस एज पे हमें वेल्डिंग करना है, वहाँ पे हम लोग जे शेप में कटिंग करते हैं, वी शेप में कटिंग करते हैं, या फिर यू शेप में कटिंग करते हैं, W करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मेटल का जो ज्वाइंट का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मेटल का थिकनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे एज प्रिपरेशन में भी चेंजेस आप लोगों को दिखेगा। जैसे यहाँ पे मेटल का थिकनेस है, ये एज प्रिपरेशन है, ये असेंबली है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए मेटल का जो थिकनेस है, अगर मान लीजिए ये 1 मिलीमीटर का मेटल थिकनेस है, ये हमारा 1 मिलीमीटर का मेटल थिकनेस है, तो इसका जो वेल्डिंग हम लोग करेंगे उसमें एज प्रिपरेशन स्क्वायर होगा, स्क्वायर एज। यानी कि यहाँ इस एज पे हमें किसी भी तरह का एज प्रिपरेशन नहीं करना है, और असेंबली जो होगा वो नो गैप होगा। यानी कि पहला का ड्राइंग कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे, इसके बीच में गैप नहीं रहेगा, ये एकदम सटा करके वेल्डिंग कर देना, ऐसे वेल्डिंग होगा ये ऐसे। तो इसको बोलेंगे कि स्क्वायर एज विथ नो गैप, यानी कि यहाँ पे रूट गैप है ही नहीं, एकदम मेटल को सटा करके वेल्डिंग किया गया, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे पास एक मेटल है और ये एक हमारे पास मेटल है, दो मेटल है। तो इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एज प्रिपरेशन नहीं करते हैं। इसमें देखिए ये जो एज है, ये इस एज पे हमें वेल्डिंग करना है, यहाँ पे ऐसे रख करके बट ज्वाइन करना है। तो इस एज पे हम लोग कोई एज प्रिपरेशन नहीं करेंगे,
और तो इसको हम लोग स्क्वायरेज बोलेंगे, ये एकदम एज इट इज रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी प्रिपरेशन का ऐसे रखेंगे और नो गैप, यानी कि इसके बीच में हम लोग ऐसे गैप नहीं देंगे वेल्डिंग के दौरान, हम लोग एकदम सटा करके वेल्डिंग कर देंगे, ऐसे वेल्डिंग कर देंगे। तो अगर मान लीजिए मेटल का थिकनेस 1 मिलीमीटर है तो वहाँ पर हम लोग स्क्वायर एज रखेंगे और गैप नहीं देंगे वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, रूट गैप 0 होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिए क्या है, 1.2 अगर मेटल का थिकनेस है तो एज तो रहेगा, एज प्रिपरेशन वो स्क्वायर एज ही रहेगा, यानी कि अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह का एज प्रिपरेशन नहीं करना है, लेकिन रूट गैप वहाँ पे देना होगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह का कुछ हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो गया और यहाँ पे ये हो गया, तो ये जो हमारा गैप होगा, ये हमारा गैप ये 1.08 मिलीमीटर का होगा और ये हमारा थिकनेस 1.2 है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये इसका ड्राइंग बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि जब हमारा मेटल का थिकनेस 1.2 है तो एज प्रिपरेशन तो स्क्वायर एज ही रहेगा, लेकिन हमें रूट गैप देना पड़ेगा, तो ड्राइंग इस तरह का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि हमें रूट गैप देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर मेटल थिकनेस बढ़ गया 1.5 हो गया तो स्क्वायर एज ही रहेगा, यहाँ भी किसी तरह का एज प्रिपरेशन नहीं करना है, और गैप भी रहेगा, जो असेंबली में गैप होगा वो गैप सेम होगा, यानी कि ये सेम ड्राइंग दोनों के लिए हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए और थिकनेस बढ़ रहा है, मेटल का थिकनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मेटल का थिकनेस बढ़ता है एज प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए 3 मिलीमीटर है तो यहाँ पे सिंगल भी कह रहा है और रूट गैप भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि मान लीजिए मेटल का थिकनेस ऐसे है, ये मेटल का थिकनेस हो गया यहाँ से ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर हमें ऐसे सिंगल भी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो एज प्रिपरेशन कैसा होगा इसका, आप लोग देख मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। इसका एज प्रिपरेशन होगा आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमें सिंगल भी बनाना पड़ेगा और यहाँ पे रूट गैप देना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। ये अब हमें ये जो हुआ हमारा सिंगल भी हो गया, तो यहाँ पर रूट गैप कितना हो गया 1.5 का, और ये जो हुआ हमारा एज प्रिपरेशन हुआ हमारा सिंगल भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जो लास्ट वाला है, अगर मेटल का थिकनेस 3.0 मिलीमीटर है तो सिंगल भी बनेगा एज प्रिपरेशन, तो इस तरह से सिंगल भी बनाएंगे ज्वाइनिंग एज पे, उसके बाद रूट गया जो हम लोग 1.5 मिलीमीटर का देंगे, और वेल्ड बिट हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, ये ड्राइंग हो गया, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका ड्राइंग बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज प्रिपरेशन मेटल के थिकनेस के आधार पे चेंज होते रहता है, और इट्स डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल के थिकनेस के आधार के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ नंबर है फिलर रॉड डायमीटर एंड नोजल सेलेक्शन, नोजल साइज। तो ये फोर्थ नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर, इसका भी मैंने बना के रखा है, मैंने चार्ट इसलिए बना दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नोजल जो साइज है, नोजल का जो साइज है वो भी मेटल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे मेटल का थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे नोजल का साइज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो एक बना के रखा है, नोजल कैसे नोजल को सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए 0.1 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 2 नंबर का नोजल लगेगा, फिलर रोड 1.6, 1.2 के लिए। जैसे एक चीज़ इसमें देखना है, ब्रास के लिए जो नोजल का जो साइज होता है वो माइल्ड स्टील के नोजल साइज से 1 ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग माइल्ड स्टील 1.2 में माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए 1.2 मिलीमीटर थिकनेस के माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग कितना नोजल नंबर रखते थे, 2 नोजल नंबर, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है इसी वजह से। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि माइल्ड स्टील के जो नोजल साइज होगा उससे 1 ज़्यादा नोजल
साइज यूज करेंगे हम लोग ब्रास की वेल्डिंग में फ्रेंड्स, ठीक है। माइल्ड स्टील में हम लोग 1.2 के लिए दो नंबर का हम लोग नोजल यूज करते थे, लेकिन इसमें तीन है, देखिए एक बढ़ गया है इसमें, ठीक है ना। तो 1.5 के लिए थ्री और 3 मिलीमीटर के थिकनेस के लिए 5 से 7 के बीच में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से फिलर रॉड भी है, 2 मिलीमीटर का 2 मिलीमीटर का 3 मिलीमीटर का हम लोग फिलर रॉड का भी डायमीटर रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब मेटल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसके पांचवें पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, सलेक्शन, फ्लेम सलेक्शन, है ना। तो अब मैं आप लोगों को पांचवा फ्लेम सलेक्शन समझाता हूँ, फ्लेम। अब आप लोग खुद ही बता देंगे, अगर जो लोग पीछे वाला वीडियो देखा होगा वो बता देगा कि ब्रास की वेल्डिंग में हम लोग किस टाइप के फ्लेम का सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो पांचवा नंबर हम लोग देख लेते हैं, फ्लेम सिलेक्शन। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लेम हम लोग इसमें कौन सा यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसे आप लोग डिटेल में इसको समझना है तो प्लीज लास्ट वीडियो को मेरा देख लें, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लेम सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा 6 नंबर है वो है सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, है ना। सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग टेक्निक सिलेक्शन वो हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग टेक्निक, आप लोग पता है कि गैस वेल्डिंग में दो प्रकार की वेल्डिंग टेक्निक होता है, एक तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, एक राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो मोस्ट जो कॉमन वेल्डिंग टेक्निक है गैस वेल्डिंग में वो है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, ज़्यादातर हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस वजह से ब्रास की वेल्डिंग में भी हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक करते हैं, का यूज करते हैं। आप लोगों को वेल्डिंग टेक्निक के भी बारे में अगर डिटेल में जानना हो तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें और मैं कुछ बता देता हूँ कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप का एंगल 60 से 70 डिग्री होता है, फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री होता है ना। और जो वेल्डिंग स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट पे जाकर के एंड होता है, तो इसे हम लोग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लो पाइप एंगल 60 से 70 डिग्री वेल्ड लाइन से, है ना, वेल्ड लाइन से 60 से 70 डिग्री और फिलर रोड का एंगल 30 से 40 डिग्री वेल्ड लाइन से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी डिटेल में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें और एक चीज़ मैंने शायद छूट गया, जो मैं बताना था, लग रहा है कि सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। हम लोगों को तीसरे नंबर पर पढ़ना था फ्लक्स सेलेक्शन, तो वो शायद छूट गया, फिर मैं अभी कवर कर लेता हूँ कि किस टाइप के फ्लक्स का सिलेक्शन करना है ना। तो फ्लक्स सेलेक्शन, फ्लक्स सिलेक्शन ब्रास की वेल्डिंग में फ्लक्स का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। हमें ब्रास की वेल्डिंग में फ्लक्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू गेट अ साउंड वेल्ड देन वी हैव टू यूज अ फ्लक्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग, ब्रास वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं जनरली बोराक्स फ्लक्स यूज करते हैं, बोराक्स प्लेस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो फ्लक्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रास की वेल्डिंग में वो बुराक्स पेस्ट होता है, बुराक्स पेस्ट होता है, यही इट इज़ अ गुड फ्लक्स फॉर अ ब्रास वेल्डिंग। एंड जो हम लोग बुराक्स पेस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं वेल्डिंग में, ब्रास वेल्डिंग में, वो ये इस तरह करते हैं कि बुराक्स पेस्ट को क्या करते हैं कि अंडर साइड लगा देते हैं। जैसे ये जो हमारा एज है इसे वेल्डिंग करना है, तो सबसे पहले हम लोग बुराक्स पेस्ट को यहाँ पे लगा देंगे और फिर यहाँ पे लगा देंगे, फिर इस ज्वाइंट को ऐसे रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, फिलर रॉड, ये देखिए जो फिलर रॉड है इसके ऊपर भी हम लोग बुराक्स पेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद ही वेल्डिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग साउंड वेल्ड पाते हैं, किसी भी तरह का इंक्लूजन्स वगैरह वेल्ड बिट के अंदर नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो आखिरी इसमें टॉपिक है, पॉइंट है, वो है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन, है ना। आखिरी पॉइंट से जो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन को। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन को जानने से पहले आप लोग को ये तो पता ही होगा कि जो ब्रास होता है इट इज़ अ मिक्स एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, और जिसमें जिंक का क्या होता है कि वेपराइजेशन होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जिंक प्रोड्यूसेस
इरिटेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स और वेपर ड्यूरिंग द वेल्डिंग। जो जिंक का जो वेपराइजेशन होता है, उस दौरान क्या होता है कि जिंक जो है वो क्या करता है, इरिटेटिंग यानी कि इरिटेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, ये जो डिस्ट्रक्टिव होता है यानी कि हानिकारक, इसका मतलब होता है हानिकारक फ्यूम्स यानी कि धुआं, ये धुआं। तो जिंक जब जिंक का वेपराइजेशन होता है तो जिंक की वजह से वेल्डिंग के दौरान हानिकारक धुआं निकलता है या फिर वेपर निकलता है, तो उससे क्या होता है कि वेल्डर को दिक्कत होता है वेल्डिंग करने में, उससे उसको अनइजी फील होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि ज़्यादा देर तक वेल्डर इसको इनहेल करते रहता है यानी कि इसको सांस के द्वारा अंदर लेता रहता है, तो वेल्डर को क्या होता है कि वीकनेस सा फील होने लगता है उसे, मतलब इरिटेटिंग फील होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो उसका काम में मन नहीं लगता है। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, हानिकारक है ये जो फॉर्म्स निकलता है वेल्डिंग के दौरान जिंक के वेपराइजेशन की वजह से। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, यानी कि वेल्डर को बचना चाहिए। अब वो कैसे बचेगा वेल्डर, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि वेल्डिंग एरिया में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जिस एरिया में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारे खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए, खिड़की और दरवाज़ा को बंद करके हमें वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि बंद कमरे में हमें ब्रास की वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमें खिड़की को ओपन कर देना चाहिए, दरवाज़ा ओपन कर देना चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, बाहर का हवा अंदर आ सके और अंदर का जो फ्यूम्स वगैरह है वो बाहर निकल सके फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा और हमें क्या ध्यान देना है कि ब्रास की वेल्डिंग सब करते समय हमें रेस्पिरेटर का यूज़ करना है। जैसे अभी हम लोग क्या कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं ना, उसी तरह से एक रेस्पिरेटर होता है जो कि हमें जो फ्यूम्स है इरिटेटिंग या डिस्ट्रक्टिव फ्यूम्स है उसे इनहेल नहीं होने देता है बॉडी के अंदर, तो उसे हमें बचाता है। यूज रेस्पिरेटर एंड अवॉइड इनहेलिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान हमें फ्यूम्स को इनहेल नहीं करना चाहिए और इस चीज़ से बचने के लिए हमें रेस्पिरेटर यानी कि मास्क लगाना चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि हम बच सकते हैं और बहुत लॉन्गर टाइम तक वेल्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वेल्डिंग करते समय हमें हमेशा रेस्पिरेटर का यूज़ करना है और जो वेल्डिंग एरिया होना चाहिए वो एडुकेट वेंटिलेटेड होना चाहिए यानी प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर लिया जो मैंने आप लोग को यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसीजर में मैं बताया था, सब सारे चीज़ को कवर किया। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।